गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोग नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ लिए। एक्सरसाइज वन होमवर्क में हमने आपको वन सी और वन डी दिया था। हमें आशा है कि आपको बना लिए होंगे। ठीक, आज हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज टू में चलते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है फ्रैक्शन। अगला एक्सरसाइज हमारा है फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन करते किसको है, तो सबसे पहले हमारा है लिखेंगे ये फ्रैक्शन क्या है। तो अब फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल, यानी एक फ्रैक्शन जो होता है वो एक होल का एक पार्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन इसका हम देखेंगे क्या होगा फ्रैक्शन। तो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, जो नंबर ए बाई बी के फॉर्म में हमारा रहे एंड ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर, यानी ए और बी दोनों हमारा नेचुरल नंबर रहे इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 4/7, इसमें 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 7 भी हमारा नेचुरल नंबर है। 4 को हम लोग न्यूमेरेटर कहेंगे, 7 हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, यानी जो a बाय b के रूप में रहे इसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन में हमारा जैसे एग्जांपल की 4/7, इसमें 4 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 7 डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की ओर। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमारा पहला लिखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला हमने लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों आप लोग कॉपी में कृपया इसको राइट डाउन करते जाए सारा डिफिनेशन, क्योंकि एग्जाम का डिफिनेशन भी याद आता है, याद करना होगा आपको और इसको सवाल को प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हमारी मदद करेगा डिफिनेशन। ठीक है, तो पहला हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं किसको है हम, तो अब फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इट्स डिनोमिनेटर, यानी वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
हम ले सकते हैं 1 बाय 2, 4 बाय 9, 6 बाय 11, इन सभी भी हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, सो दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए क्या कहला गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक इसका उल्टा होता है, यानी अ फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन हूज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 7/4, 18/16, 13/6, यानी सभी में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, ठीक है, इटीसी, यानी ये सभी हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तीसरा फ्रैक्शन हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम देखते हैं तीसरा हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इसी को हम लिखेंगे क्या, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 4/3/5, ये 4 हमारा होल नंबर हो गया और 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं 2/1/3, 2 हमारा होल नंबर हो गया, 1/3 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये हमारा हो गया क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ में, हमारा लाइक फ्रैक्शन लिखते हैं, लाइक फ्रैक्शन, एंड लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। तो फ्रैक्शंस हूज डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर आर सेम, जिसका डिनोमिनेटर
सेम होता है, ये हमारा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम 4/13, 6/13, 7/14, 9/14, इसमें हम देख रहे हैं कि सभी का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ठीक है, इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप लोग बच्चे लिखते जाइए सभी चीजों को, हर टॉपिक को लिखते जाइएगा, जो हमें सवाल एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। इस सारी चीजों को लिखते जाइए आप लोग अपने कॉपी में, और जब हम सामने मिलेंगे तो फिर करेक्शन होगी हमारी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आत्मा अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर इसका उल्टा वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, जिसका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 1/2, 3/7, 4/9, इटीसी ले सकते हैं, यानी इसमें सभी का देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिनोमिनेटर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चे, आप लोग इसको राइट डाउन करते जाइए अपने कॉपी में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, इसको कहेंगे जब किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम नंबर टू न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 1/2, ठीक। अब 1/2 को हम 2/2 से इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 2/4, ठीक। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 1/2 को अगर हम 3/3 से इंटू कर दे तो हमारा 3/6 हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया,
ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इससे हम और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि सेम रियल से, जैसे इसको हम 2/2 से जो किए, 3/3 से, 4/4, 5/5, 9/9, 10/10, 11/11 एंड सो ऑन, आप आगे करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शंस हूज डिनोमिनेटर इज आइदर ऑफ 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000 ईटीसी, ये चीजें है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं 4/10। अब डेसिमल फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0.4। एग्जाम्पल एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 7/100, इसको हम डेसिमल में करेंगे 0.07 हो जाएगा, नहीं। अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है अगला, हम लेते हैं वुलगर फ्रैक्शन। वुलगर, वुलगर फ्रैक्शन क्या होता है? वुलगर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, इसके अलावा कोई भी दूसरा डिजिट हो, वो हमारा वुलगर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन whose denominator is other than 10, 100, 1000 etc, इसके अलावा कोई भी रहे, तो क्या हो जाएगा हमारा वुलगर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं 1/6, 7/9, 5/16 etc, इस सभी का डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि 10, 100 और इसके अलावा है, 10, 100, 1000 इसके अलावा हमारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, प्यारे बच्चों इसको लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन की ओर, ठीक है। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या होता है इसको आप लोग कॉपी में राइट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट हमारा हो गया इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। यानी वह फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है, वो हमारा इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अ फ्रैक्शन फ्रैक्शन whose, या ऐसा लिखे है ना, इफ द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन, ठीक है, देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 3/4, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 1 हो, एलसीएम हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं 9/17, 9/17 का एलसीएम निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज की ओर आ रहे हैं हम लोग। ये तो ना डिफाइन हो गया हमारा फ्रैक्शन के बारे में, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करके थोड़ा सा आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में बच्चों बनाते जाइए, इसको लिखते जाइए, ठीक। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2A की ओर, ठीक है। अब हमको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है, तो एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कंपैरिजन करना है आपको नंबर का, कौन नंबर छोटा है और नंबर बड़ा है, इसको हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द फ्रैक्शन, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5/8 एंड 7/12। अब आपको ये बताना है कि दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है, कैसे बताएंगे, तो हम इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे, यानी 5 × 12 इस पर टू हमारा हो गया 60, और फिर इसको करेंगे इसके न्यूमरेटर से स्क्वायर, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो 7 × 8 = 56। अब हमको क्लियर दिख रहा है कौन बड़ा कौन छोटा है, और हमें क्लियर दिख रहा है कि 60 बड़ा है, 60 किसका आ गया, 5 न्यूमरेटर का, 5 न्यूमरेटर हमारा ये है, देयरफॉर हमारा हो गया 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12, क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखते हैं, हमारा दिया हुआ है 3/4, 5/6, 7/9 और 11/12। तो हम बच्चों पहले इसका हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक, क्योंकि हमको ऐसे तो नहीं मालूम चल रहा है कौन छोटा कौन बड़ा है, तो हम सभी का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, वो कैसे करेंगे, एलसीएम निकाल करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6, 9, 12। इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 36, क्लियर। एलसीएम जैसे निकालेंगे 36 हो जाएगा, दैट मीन्स सभी का डिनोमिनेटर हमारा 36 हो गया, ठीक है। अब हम बारी आपको बता चुके हैं क्लास में भी कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फ्रैक्शन का सम वगैरह करते थे हम पिछली क्लासेस में, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 4 6 को डिवाइड किए 4 9 या 36, 9 हुआ, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 हो गया हमारा, 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 36 को, ठीक है। तो 6 के 36 को डिवाइड करेंगे हमारा 6 हो गया, 6 को 5 से इंटू करेंगे 5 6 30 हो गया हमारा, 9 से 36 को डिवाइड करेंगे हमारा 4 आ गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया
28, 47 जा 28, फिर 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, 12 से 36 को डिवाइड किया हमारा कितना हो गया 3, 3 से 11 को इनटू करेंगे, 11 3 जा 33। अब हमको क्लियर दिख रहा है कि कौन छोटा कौन बड़ा है इसमें हमें, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटा को पहले लिखेंगे, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, हमको इसमें क्लियर दिख रहा है कि सबसे छोटा हमारा कौन है, तो हम देख रहे हैं सबसे छोटा हमारा 27 है, 27 किसका है 3/4 का, तो हम पहले लिख देंगे 3/4, ठीक, 3/4 के बाद हम देखें 28 हमारा छोटा, 28 किसका है 7/9 का, तो हम 7/9 लिख दिए। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं कौन है हमारा 30/36, ये किसका है 5/6 का, तो 5/6 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे कौन है हमारा 33/36 किसका है 11/12 का, 11/12 इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद 11/12 हमारा हो गया, ठीक, इसी तरह से हम आगे सम वगैरह भी बना लेते हैं, जैसे जोड़ हो गया घटाव हो गया, तो हम बस सेम टू सेम इसी प्रोसेस से बनाते जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि आप बच्चों समझे होंगे इस चीज को आसानी से, आप इसको अपने कॉपी में सबको राइट डाउन कीजिए, और SW सेक्शन में हम लोग आते हैं, SW में आप एक्सरसाइज 2A का, SW में एक्सरसाइज 2A कोशिश करेंगे आप बनाने का, 2A में 16 क्वेश्चन है, आई थिंक सब क्वेश्चन आपका इजी है, बन जाएगा मेरे समझ से, बस सब यही ऐड और मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन का, जो आसानी से आप पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, और यहाँ भी आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। डिफाइन को भी आप याद कर लेंगे बच्चों, और इसको राइट डाउन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में सैटरडे को ऐड करेंगे, और विशेष कुछ प्रॉब्लम हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, क्लास में क्लियर होगा हमारा, ठीक है, ओके, आई थिंक SW कंप्लीट होगा एंड बाय, ठीक है, ओके।